गुड इवनिंग, मैं यशनील वाष्णेय एक बार फिर से आप सभी के साथ अपने चैनल में एक चीज़ डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामाइन, जिसे आप दूसरा नाम दे सकते हैं अजीनोमोटो। ये क्या होता है दोस्तों? फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके घर में फ्रिज में जो है कोई एक महीने पुरानी दाल रखी है, फ्रिज में एक महीने पुरानी दाल रखी है। अब आपने उस दाल को निकाला जब, है ना, तो आप देखोगे उसमें फंगस लग चुका होगा, है ना, ख़राब हो चुकी होगी, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं उसमें MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामाइन डाल दूँ, जिसका दूसरा नाम है अजीनोमोटो, ठीक है, जैसे ही मैं वो डालूँगा, वो दाल जब मैं खाऊँगा तो बहुत टेस्टी लगने लगेगी। मतलब ऐसा लगेगा उसको खाने का मन करता जाएगा फिर बार बार। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मोनोसोडियम ग्लूटामाइन ये एक ऐसी चीज़ होती है जो जब हम खाते हैं तो ये हमारे ब्रेन में एक मैसेज देती है, हमारे ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि ये जो खाना आप खा रहे हो ये बिल्कुल सेफ है, हेल्दी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल सेफ और हेल्दी है। जबकि वो चीज़ कितने साल पुरानी होती है, चाइनीज़ फूड जो होता है, चाउमीन, मोमोज, मंचूरियन, इन सब में अजीनोमोटो यानी मोनोसोडियम ग्लूटामाइन पड़ा होता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें कई साल पहले बना के रख दिया जाता है और उसमें फिर मोनोसोडियम ग्लूटामाइन यानी अजीनोमोटो MSG डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो हमें बहुत टेस्टी लगने लगती है, ऐसा लगता है कि अभी अभी बनी है। दोस्तों इसी वजह से आपको चाइनीज़ चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप MSG खाते हो तो चीज़ तो टेस्टी लगती है लेकिन जो उसके अंदर की क्वालिटी है वो तो आपके लिए अनहेल्दी है ना, फंगस वगैरह लगा होता है उसमें आपको, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत टेस्टी है। मोमोज में सब में डला होता है, जितने भी चाइनीज़ फूड है सब में तो अजीनोमोटो डला ही होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामाइन यानी MSG। इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, मोनोसोडियम ग्लूटामाइन, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।